एक गांव में एक विद्वान पंडित रहा करते थे। एक दिन उन्हें पूजा पाठ के लिए किसी दूसरे गांव में जाना था और पूजा पाठ के लिए वे दूसरे गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आती है। उन्हें नदी के पार दूसरे गांव जाना था। तभी नदी के पास बैठे एक बालक को देखा। वे बालक से बोले, अरे बच्चा, मुझे नदी के पार इस दूसरे गांव में पूजा पाठ के लिए जाना है, क्या मुझे तुम नदी पार करवा सकते हो? लड़के ने कहा, हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही नदी पार करवाना है। आइए नदी में बैठिए, मैं आपको अभी नदी के पार उस दूसरे गांव में पहुंचा देता हूँ। पंडित जी नाव में बैठ जाते हैं और नाव नदी के बीच आ जाती है। तो पंडित जी लड़के से पूछते हैं, अरे बच्चा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। ओ, तुम अनपढ़ हो, इसका मतलब तुम्हारी 25% जिंदगी खत्म हो गई। क्या? अच्छा, क्या तूने रामायण पढ़ी है? रामायण? ये क्या होती है, मैंने तो नहीं पढ़ी पंडित जी। अच्छा, तू रामायण के बारे में भी कुछ नहीं जानता, इसका मतलब तेरी 50% जिंदगी खत्म हो गई। हम्म, अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम महाभारत के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, ये क्या होती है पंडित जी, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ओ, तुम महाभारत के बारे में भी अनजान है, मतलब तुम्हारी 75% जिंदगी खत्म हो गई। और थोड़ी देर बाद नाव में कुछ खराबी आ जाती है और नाव में पानी भरने लगता है। अरे ये क्या, नाव में पानी भर रहा है। पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? नहीं। तो इसका मतलब आपकी 100% जिंदगी खत्म हो गई। यह कहकर लड़का नदी में कूद जाता है और नदी में तैरकर बाहर आ जाता है। और पंडित जी को तैरना आता नहीं था तो वह नदी में डूब जाते और उनकी मौत हो जाती है। कभी कभी तो विद्याएं भी काम नहीं आती है।